हेलो एवरीवन, गर्मियों का सीजन चल रहा है और आइसक्रीम खाना हम सभी को बेहद ही पसंद आता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल काजू द्राक्ष आइसक्रीम की रेसिपी। और इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप घर पर आइसक्रीम बनाएंगे तो यह बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात दे दे ऐसा इसका टेक्सचर और टेस्ट होगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह आपने मार्केट से नहीं खरीदी, खुद इसे अपने घर पर बनाया है। काजू द्राक्ष आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम दूध गर्म करेंगे। तो दूध गर्म करने से पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध जले नहीं। यहाँ पर हमने फुल क्रीम 2 कप दूध लिया है। नाप से देखेंगे तो ये 500 ml दूध है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1/2 कप चीनी ली है। और इन दोनों को आपस में मिलाकर हम दूध को उबलने तक पकाएंगे। जब तक दूध उबल रहा है हम कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं ताकि दूध को गाढ़ा टेक्सचर मिल जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप दूध ले लिया है और उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। अब कॉर्नफ्लावर और दूध के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध और कॉर्नफ्लावर के इस मिक्सचर में ध्यान रखें कि दूध ठंडा होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर दूध गर्म होगा या गुनगुना होगा तो कॉर्नफ्लावर में लम्स पड़ सकते हैं। और यहाँ पर दूध उबल चुका है और इसके अंदर हम धीरे धीरे कर कर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालते जाएंगे। एक साथ यह मिक्सचर हमें नहीं डालना है, नहीं तो गांठें पड़ जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इस मिक्सचर को दूध में ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चम्मच की हेल्प से इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। और हमें यहाँ पर इसे हिलाते हुए रहना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इसी तरह की हमने कई आइसक्रीम की रेसिपीज ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर आइसक्रीम रेसिपीज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और इसे लगभग 5 मिनट तक पकाना है। और जब ये इसका टेक्सचर इस तरह का गाढ़ा हो जाएगा तो हम अपने गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मिक्सर ठंडा हो रहा है हम अपनी क्रीम को फेंट लेते हैं। हमने यहाँ पर नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है जो केक की डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। तो हमने यहाँ पर 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम एक बड़े मिक्सिंग बोल में ले ली है। अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम का एक पैकेट ले लीजिए और उसे फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और फिर जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे भी इसी तरह से फेंट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे मीडियम स्पीड पर लगभग 4-5 मिनट तक फेंटा है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ यह सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए तब तक ही फेंटना है। ये देखिए क्रीम का टेक्सचर कुछ इस तरह का सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर अपने दूध का जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था वो मिला लेंगे। यह भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अगर आपकी क्रीम में वनीला फ्लेवर नहीं है तो इस वक्त आप 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें मिला लें। हमारी क्रीम में ऑलरेडी वनीला फ्लेवर एडेड है तो हमने यहाँ पर नहीं मिलाया। अब कॉर्नफ्लावर और दूध के इस मिक्सचर को क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम और दूध और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर वाला जो घोल था वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रीजर में 2-3 घंटे के लिए सेमी सेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसी बोल में 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लें, और नहीं तो आप जिस बोल में इसे सेट करना चाहते हैं उसमें इसे डाल लें और उसे अच्छी तरह से कवर करके अपने फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए सेमी सेट होने के लिए रखें। क्योंकि हम काजू द्राक्ष आइसक्रीम बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम किशमिश ले ली है और इन्हें हम भिगो कर रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे तो हम इनके बारीक टुकड़े काट लेंगे। और अब यहाँ पर हमारी आइसक्रीम भी सेमी सेट हो चुकी है। और 2-3 घंटे बाद जब हमने इसे निकाला तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का था। यह अच्छी तरह से अभी पूरी नहीं जमी है और हमें इसी तरह की चाहिए, क्योंकि हम इसे दोबारा से फेंटेंगे। तो हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल लेते हैं और इसे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही फेंटेंगे। हमारी व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी थी तो हमने आइसक्रीम के मिक्सचर में सिर्फ 1/2 कप चीनी डाली थी। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो आप इस वक्त फेंटते वक्त थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, नहीं तो आइसक्रीम के मिक्सचर में आप 3/4 कप चीनी डाल लें तो आपकी आइसक्रीम का टेस्ट परफेक्ट रहेगा। देखिए इस तरह से हमें आइसक्रीम का एक सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर मिल चुका है।
और अब हम इसके अंदर कटे हुए काजू और किशमिश डाल लेंगे। काजू और किशमिश आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने थोड़े से काजू किशमिश इसमें से बचा लिए हैं जो हम ऊपर से इसमें गार्निश करेंगे। अब काजू किशमिश को भी आइसक्रीम के इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम का यह मिक्सचर अब पूरी तरह से सेट होने के लिए तैयार है और वापस से हम वही कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हमें आइसक्रीम को सेट करना है। अब हम आइसक्रीम के इस कंटेनर को टैप कर लेते हैं और बचे हुए काजू और किशमिश से इसे गार्निश कर लेते हैं और फिर इसे हम अच्छी तरह से कवर करके सेट होने के लिए रखेंगे। आप किसी भी फॉइल पेपर या प्लास्टिक शीट या फिर इस तरह के क्लिंग रैप से भी कवर करके रख सकते हैं। तो इसे आप अपने फ्रीजर में 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख लें। 8 घंटे बाद हमने इसे अपने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया और हमारी आइसक्रीम कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। अब हम अपनी आइसक्रीम को कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं। आइसक्रीम बड़ी ही आसानी से कंटेनर से बाहर आ गई है और अब हम इन्हें चंक्स में काट लेंगे। इस तरह के आइसक्रीम के पीसे जब आप किसी के सामने रखेंगे तो वह कह ही नहीं पाएगा कि आपने आइसक्रीम घर पर बनाई है या मार्केट से लाए हैं। अब हम स्कूपर की हेल्प से भी आपको स्कूप करके दिखा देते हैं कि ये बड़ी ही आसानी से स्कूप आउट हो रही है और इसे ठंडी ठंडी चिल सर्व कर लेते हैं। आइसक्रीम का टेक्सचर तो मार्केट जैसा है ही, लेकिन टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है, मार्केट वाली आइसक्रीम से ज्यादा अच्छा। तो फिर देर किस बात की, जाइए फटाफट आप भी अपने घर पर इस तरह की आइसक्रीम बनाइए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।